ओल्ड नहीं जाना चाहेगा, कुछ खर्चा बहुत खर्चा है मेरे लिए, अभी ये वक्त है। वही बोलते ना कि लोअर चेस्ट की एक्सरसाइज ही नहीं पता है। ये पूरा स्पेच यहाँ आए बात करेंगे कि किस तरीके से आप ये एक्सरसाइज अपने। हे वेलकम बैक टू अदर व्लॉग गाइस, तो जा रहे हैं जिम। आज भी सुबह 10 बजे निकल गया था और शाम को आया हूँ मैं कोई 4:30 बजे। तो भाई बहुत असर चल रही है, बट चलो ठीक है, कोई नहीं। जिम भी नहीं करी थी तो जिम भी जाना जरूरी है। अब जिम जाना जाएंगे तो व्लॉग भी बनेगा, व्लॉग बनेगा तो आप लोगों के साथ कनेक्ट रहेंगे। शायद बहुत दिन बाद मैं, मतलब मैं इस वक्त जा रहा हूँ जिम, बहुत दिन बाद, सोने का टाइम नहीं होता, बस काम में लगा रहता हूँ, बस काम में लगा रहता हूँ, काम में ही लगा रहता हूँ, दिमाग जो है सिर्फ काम में लगा रहता है। यार आप लोग व्लॉग्स क्यों नहीं देख रहे हो, आप लोग वीडियोस क्यों नहीं देख रहे हो ये बताओ। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इतनी मेहनत करता हूँ, इतना सब कुछ भाग दौड़ करता हूँ, पर यार कोई वीडियो ही नहीं देखता है। कि ये देख लो भाई, चल रहे हैं अभी हमने रोड पे। एक भाई ने पूछा था मेरे को कि भाई कितनी दूर जाते हो जिम करने। भाई मेरा है 5.7 किलोमीटर, वो 12.7 किलोमीटर मेरी जिम दूर है मेरे घर से। बाकी मैं सोच रहा हूँ यार, अभी मैं ना थोड़ा सा यहाँ की थोड़ी सी जैसे कल्ट फिट या फिर गोल्ड फिट ज्वाइन कर लूँ, बट यार अभी पैसा नहीं आ रहा, मेरे पास पैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि एक मेरा भाई है पाकिस्तान से, एक नहीं मतलब काफ़ी सारे दोस्त हैं, जो कि वो लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे पिंग करता था कि भैया आप गोल्ड वोल्ड जाया करो ये वो। मैं क्या भाई, गोल्ड तो कौन नहीं जाना चाहेगा, कौन गोल्ड नहीं जाना चाहेगा। जॉब करता हूँ, जॉब से सारी चीज़ें चलाना और बहुत कुछ खर्चा, बहुत खर्चा है मेरे भाई। तो यार जाऊंगा, उस वो भी वक्त आएगा, अभी ये वक्त है तो वो वक्त भी आएगा और गारंटेड आएगा, तो जल्दी आएगा। बाकी आप लोग साथ दो और सपोर्ट करो। आज करेंगे अपना चेस्ट की एक्सरसाइजेस, बेस्ट एक्सरसाइजेस लेकर आया हूँ जो मेरा भाई घर के अंदर परफॉर्म कर सकता है। बेस्ट चेस्ट लोअर चेस्ट के लिए मेनली एक्सरसाइज रहेंगी 3 से 4। अगर कुछ और समझ में आएगा तो ऐड करेंगे आप लोगों के लिए चेस्ट में, बने रहना व्लॉग में। अपना पहले मैं वार्म अप कर लेता हूँ, वार्म अप में अपना चिन अप लूंगा और डिप्स मैं ले चुका हूँ। वाह, 3 सेट लेने के बाद इस पे अपने मेन एक्सरसाइज भी जाना, जो फर्स्ट एक्सरसाइज रहेगी चेस्ट के लिए वो करेंगे हम इंक्लाइन बेंच पे। इस पे मैं लोअर चेस्ट के लिए आप लोगों को बहुत बेस्ट एक्सरसाइज बताऊंगा, बेस्ट परफॉर्मेंस बताऊंगा, बेस्ट वेरिएशन में बताऊंगा किस तरीके से, किस एंगल में आप अपने लोअर चेस्ट को ट्रेन कर सकते हो। रेपिटेशन आपको कम से कम 12 रेपिटेशन लेने हैं, अगर हैवी वेट ले रहे हो और लाइट वेट ले रहे हो और लीनिंग में चाहते हो तो जितने मैक्स टू मैक्स आप ले सकते हो उतने लेना। इस पे जो मैं वेट ले रहा हूँ 27 kg है, इस साइड भी और उस साइड भी। क्या इस तरीके से लेट जाए, हाथ को इस तरीके से रखना है और यहाँ पे 1, 2, 3 and 4 पूरा लोड लेना है एंड स्क्वीज 1, 2, 3 and 4 स्क्वीज। इस तरीके से ये वाली एक्सरसाइज परफॉर्म करना, लोअर चेस्ट आपकी शेप में आएगी। बल्क करना है तो हैवी वेट करना और अच्छे से टाइट लेना ताकि आपकी लोअर चेस्ट पार तरीके से आ जाए। जो मेरा भाई ये बोलता है ना कि लोअर चेस्ट की एक्सरसाइज ही नहीं पता है या एक्सपीरियंस नहीं पता है किस तरीके से फॉर्म में करें, तो जो एक्सरसाइजेस मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, पहले इंक्लाइन बेंच पे मैंने फ्लाई टाइप में बताया था आपके लोअर चेस्ट को ट्रेन करने के लिए, आपके बैलेंस पे काम करेंगे आज। मेन है बैलेंस का, क्योंकि बहुत सारे चीजें होती हैं कि बैलेंस पे ही डिपेंड रहती है। अगर आपका बैलेंस अच्छा होता है तो बेस्ट एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हो आप। चलो बैलेंस अब मेरा बेंच पे बनेगा, ना मेरा लेफ्ट जाएगा ना राइट जाएगा, बैलेंस स्ट्रेट रहेगा। और जो एक्सरसाइज मैं परफॉर्म करने वाला हूँ आप लोगों के लिए ना बहुत 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 ईजी और बहुत ज्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है आपके चेस्ट के लोअर पार्ट को ट्रेन करने के लिए। चलो इस तरीके से आ जाए, धीरे धीरे ब्रीद इन करते हुए, धीरे धीरे
चेस्ट अपनी पूरी स्ट्रेच करिए यहाँ पे और ये, और चेस्ट हमेशा कोशिश करना जब आप नीचे लाओ तो आप इस तरीके से आ जाओ, कोशिश करना। फिर से एक चीज रिपीट करता हूं मैं, आपने स्ट्रेच करी, धीरे 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 ला रहे हो, जैसे ही हाफ रेंज में आपकी चेस्ट को प्रेशर पड़ा आप इस तरीके से मूव हो जाए और ये पंप मारना है। एक्चुअली आपको पंप मारना है यहाँ पे, बहुत बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है, मैं करके दिखाऊंगा। यहां आया इस तरीके से, ये पूरा स्ट्रेच, यहां आए और स्ट्रेच करा। अप अप, मैंने 5 रेपिटेशंस मारे हैं, 15 और 15, 30 का वेट है। मैंने स्लो स्लो करके किया है एक्सरसाइज ताकि आप लोगों को अच्छे से पता लगे कि हाँ किस तरीके से एक्सरसाइज परफॉर्म करनी चाहिए। स्लो स्लो करें, बेहतर एक्सरसाइज में आप लोग ये डेवलप कर सकते हैं अपने रूटीन में, बहुत बेहतर एक्सरसाइज है लोअर चेस्ट को ट्रेन करने के लिए। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आपको बटरफ्लाई बताऊंगा, नहीं, आ जाओ। बटरफ्लाई बहुत इजी और बहुत कंफर्टेबल एक्सरसाइज है, पर इफेक्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। मैंने पहले भी अपने वीडियोस में ये वाली एक्सरसाइज आप लोगों के साथ शेयर करी है किस तरीके से आप कर सकते हो, बट उससे पोस्चर में, सेम पोस्चर में आप मशीन पर कैसे कर सकते हो, आज उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बात करेंगे कि किस तरीके से आपके इफेक्ट्स आएंगे, किस तरीके से आपकी परफॉर्मेंस रहेगी, बात करेंगे कि किस तरीके से आप ये एक्सरसाइज अपने वेरिएशन में डाल सकते हैं। तो चलो, वेट मैंने अपना 15 और 15 का लिया है ताकि आप लोग अच्छे से परफॉर्म कर पाए। बेंच का बैलेंस आपका अच्छा रहेगा, बेंच आपको ना लेफ्ट जाएगा ना राइट जाएगा आपका बैलेंस। चलो, बेंच बहुत इंपैक्ट डालता है आपके ये वाली एक्सरसाइज को परफॉर्म करने में। चलो, चेस्ट अप रहनी चाहिए, पैरों की ग्रिपिंग जो रहेगी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, यहां पर रखना अपने पैरों की ग्रिपिंग, थोड़ा सा आगे हो जाए और इस तरीके से अपनी जो गर्दन है बेंच पे लगाए और इस तरीके से हाथ इसमें इस तरीके से नहीं जाएंगे गाइस, हाथ इसमें इस तरीके से जाएंगे, इस तरीके से। अब यहाँ पे लगे आपकी एल्बो लॉक हो जाती है, इम्पैक्ट अच्छा आता है, मतलब स्क्वीज होता है, तो मेरे को ज्यादा इस पे इम्पैक्टफुल नहीं लगती है, बाकी बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये इम्पैक्टफुल लगती होगी। तो चलो, ये इस तरीके से रखना, ये यहाँ पे देखना गाइस, अपर चेस्ट आपको बहुत अच्छी से इम्पैक्ट देगी ये वाली एक्सरसाइज। 1 2 3 4 पूरी स्ट्रेच करी, ये 1 2 3 4 अप, 1 2 3 4 ये 1 2 3 4 यप। ये वाली एक्सरसाइज परफॉर्म करने गए जैसे जिस तरीके से मैं बता रहा ना, करके देखना, आप ये बोलोगे कि भाई चेस्ट जो है ना, चेस्ट आपकी 2 दिन तक आप ऐसे चलोगे, यू 2 दिन तक गारंटी मेरी, यू चल के दिखाओगे। तो चलो, चलते अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। डन। तो ज्योति भाई बता, सबसे ज्यादा कैसी लगी ये वाली एक्सरसाइज जो मैंने बताई है ना। अब मेरे को एक काम कर दे भाई, 5 पुशअप्स कंटिन्यू कर दे एक्सरसाइज के साथ, 5 पुशअप्स करके दिखा दे जिस तरीके से, जैसे भी तू करता है, क्योंकि मुझे पता है कि तेरी जो मसल्स है वो भर चुकी है, करके दिखा दे। चल आ ज्योति, कैसे लग रहा है? तो इस भाई की एनर्जी, मतलब ये कर रहा है एक्सरसाइज, सबसे अच्छी चीज इसकी मेरे को ये लगी कि ये एक्सरसाइज कर रहा है, मेरे साथ कर रहा है, भले ही वेट कम कर, वेट कम लगा के कर रहा है, बट ये एक्सरसाइज पूरी कर रहा है, मुझे बहुत मजा आ रहा है। तो ये बोल रहा है कि भैया आप इसी जिम में आ जाए करो और प्लीज मेरे साथ ये एक्सरसाइज कर लिया करो। मैंने कहा चलो ठीक है, जिस दिन मैं इस वाले जिम में आऊंगा अपन लोग करेंगे, तू मेरा जिम पार्टनर है, अपनी जो लास्ट एक्सरसाइज रहेगी वो करेंगे अपनी इनर चेस्ट को ट्रेन, किस तरीके से आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो परफॉर्म, वो आपको करके बताऊंगा इनर लाइन के लिए, इनर लाइन को ट्रेन करने के लिए। चलो, हैवी वेट लेना है इस पे, हैवी वेट इसलिए क्योंकि आप एक ही डंबल से करेंगे परफॉर्म और आपके दोनों हाथों की स्ट्रेंथ इतनी रहती है, 7.5 का 20 भी कर सकते हो। चलो, कोशिश करना है कि जो आपकी लैंडिंग रहेगी वो लोअर चेस्ट पे रहे और हिट जो रहेगा आपका पूरे अपर वाले पे आए, और ओवरऑल चेस्ट जो है ओपन करनी है, यानी कि स्ट्रेच करनी है। यप, 1 2 3 एंड 4 यप,
1, 2, 3 and 4 Yep. कम से कम 12 से 15 रेपिटेशन लेने हैं इसके, आप लोगों को कुछ भी हो जाए चाहे, और वेट जो होगा हैवी लेना, हैवी वेट लेने का एक फायदा होगा आपकी स्ट्रेंथ बनेगी, ओवरऑल जो चेस्ट है बहुत अच्छे से पंप होएगा, इनर चेस्ट तो होगी आपकी यानी कि इनर लाइन आएगी बेसिकली उसके लिए है, पर जब आप चेस्ट पे इम्पैक्ट डाल रहे हो, इनर लाइन आपकी चेस्ट की आनी है तो चेस्ट पे ओवरऑल इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। चलो ये थी चौथी एक्सरसाइज, एड ऑन करना, अपडेट करना अपने रूटीन में। चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और बने रहे ऐसे ही सपोर्ट करते रहो गाइस, मजा आ रहा है वीडियोस बनाने में और आप लोगों के साथ शेयर करने में। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट एक्सरसाइज में कुछ नई एक्सरसाइजेस के साथ, बहुत सारी ढेर सारी पॉजिटिविटी और एक्साइटमेंट के साथ। चलो टिल देन अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।